નિંદ્રાધીન પરિવાર પર મકાનનો સ્લેબ પડ્યો, બે બાળકોના મોત જ્યારે માતા પિતાનો ચમત્કારિક રીતે બચાવ। સુરતના ઉધનામાં અંબર કોલોનીમાં ગુરુવારે મોડી રાત્રે મકાનનો સ્લેબ ધરાશાયી થયો। પરિવાર ઊંઘમાં હતો એ દરમિયાન મકાનનો સ્લેબ તૂટીને પડતા નીચે સૂતેલા બે બાળકોના દબાઈ જવાથી મોત। પલંગ પર સૂતેલા માતા પિતાનો આ દુર્ઘટનામાં ચમત્કારિક રીતે બચાવ થયો હતો। શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં એક ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક દુર્ઘટના ઘટી હતી, જેમાં એક કોલોનીમાં આવેલા મકાનનો સ્લેબ તૂટી પડતા બે માસૂમ બાળકો નીચે દબાઈ ગયા હતા। ઘટનાના પગલે સ્થાનિક લોકોએ ત્યાં દોડી જઈ ફાયર વિભાગને તાત્કાલિક જાણ કરી હતી। બંને બાળકોને કાટમાળથી બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ લઈ જવાતા ત્યાં તેમને મૃત જાહેર કરાયા હતા। જોકે માતા પિતાનો આ દુર્ઘટનામાં બચાવ થયો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। માસૂમ બાળકોને ઊંઘ જ मेरा नाम एजाज मिस्त्री है। एजाज भाई, क्या घटना हुई है? आज हमारे अंबर कॉलोनी में उधना विस्तार में अंबर कॉलोनी सोसाइटी है, जहाँ पे प्लॉट नंबर 174 का तीसरे माले का स्लैब गिरा है। 3 स्लैब की बिल्डिंग थी और ज़्यादा भी मतलब पुरानी थी, मगर जर्जरित नहीं थी क्या कभी भी बनाव बन जाए। कुदरती एक हादसा हो चुका है जिसके अंदर 2 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसमें एक बच्चा 7 साल का था और एक 14 साल का, जिनकी डेथ हो चुकी है जगह के ऊपर ही। और इसका ज़िम्मेदार फ़िलहाल तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जिनके ऊपर आशा रखते हैं, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस, पिछले 2 घंटे के ऊपर हो गए। अभी 10 मिनट पहले फायर ब्रिगेड और एसएमसी के अधिकारी और एम्बुलेंस इधर आई है, अब तक उनके कोई ठिकाने थे नहीं। लास्ट में हमको खुद को एक रिक्शा में डाल के वो बच्चों को लेके भागना पड़ा, जिसके कारण लेट होने के कारण बच्चों की जान चली गई। कौन सा विस्तार है? अंबर कॉलोनी उधना विस्तार। क्या बोलना चाहते हो एसएमसी के अधिकारी? एसएमसी अधिकारी अभी फ़िलहाल आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल का बहाना मिल गया है और उनका कहना ये है कि एक बिल्डिंग ऐसी नहीं है, उधना में ऐसी कई बिल्डिंग है, हज़ारों बिल्डिंग है, जिसके ऊपर खाली एक टेम्पररी नोटिस दी जाती है, कार्रवाई कुछ नहीं है। मेरी नज़र में 3 से 4 बिल्डिंग है जिसके ऊपर मैं खुद बताया गया हूँ, मगर उनको खाली अनलीगल काम से पैसा कमाना और कुछ नहीं। जरीवाला साहब का कहना है कि हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं कि कोरोना काल में ध्यान दो, अनलीगल काम और ये सब पे ध्यान मत दो। भान काम चलते फिर भी काम नहीं, ध्यान नहीं देते, नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। और बोलते हमको भी ऊपर हर महीने इतना देना पड़ता है वगैरह वगैरह करके, उन लोग कोई ध्यान नहीं। एसएमसी की तरफ से बहुत इसमें लापरवाही है। जान हानि इसका जिम्मेदार क्या एसएमसी को मानता है? एसएमसी खाली वेरा लेना जानती है। आज 2 बच्चों की जान गई, परिवार बिछड़ गया, क्या बोलना है? वो तो जिसके बच्चे गए उसके माँ बाप और वो परिवार ही जानता है उन पर क्या बीत रही है। अभी तक हमने माँ बाप को भी पता ही नहीं है कि उनके बच्चों की जान जा चुकी है। क्या महानगर पालिका को जागरूक होना चाहिए? जाहिर सी बात है, खाली वेरा ही लेना जागरूकती है क्या? वेरा लो, ये करो, वो करो, आपका फ़र्ज़ एसएमसी का फ़र्ज़ नहीं बनता है? सोसाइटी टू सोसाइटी जाके सर्वे करें, क्या बिल्डिंग की पोजीशन है क्या नहीं है। ऐसे कितने बनाव हुए सूरत में, जो हर महीने में कितने बनाव बनते हैं, उसके बावजूद एसएमसी की आंख नहीं खुल रही है। इसकी नोटिस वगैरह देखी नहीं, ये कुदरती बनाव बन गया, कोई नोटिस और कुछ नहीं। 4 से 5 दिन बाद इसका रिपेयरिंग काम चालू होने वाला था। कोरोना ने महत आपवा वेक्सिनेशन ज अक्सीर उपाय छे। वेक्सिनेशन अभियान में आपणे गुजरातीओ अग्रेसर छीए, परंतु कोरोना सामेनो जंग जीतवा आपणे आ झुंबेशने वधु वेगवान बनाववानी छे। 45 વર્ષથી વધુ વયની દરેક વ્યક્તિ વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિન લે એ અનિવાર્ય છે। કોરોના સામે आ अमोघ शस्त्र ए वेक्सिन छे। समग्र राज्यमां आपणी आसपास ज सरकारी संस्थाओं अने खानगी संस्थाओमां वेक्सिन आसानीथी उपलब्ध छे अने हां, कोरोनानी रसी संपूर्ण सलामत छे एटले वेक्सिन लेवामां कोई विलंब न करीए। कोरोनानी कूचने अवरोधवानो अक्सीर उपाय एटले रसीकरण। आ एप्रिल ने रसीकरण मास बनावीए, आपणे वेक्सिन लईए अने स्वजनोने लेवडावीए। मास्क पहरीए, हाथ ने स्वच्छ राखीए, सोशल डिस्टन्सिंग नुं चुस्त पालन करीए अने कोरोना ने फरी हरावीए।